देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद। आपने पहली बार देखा होगा जो जैसा मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बहुत पुराना कुआं है। तो अभी हम मंदिर के अंदर हैं। पर आज हम आपको एक ऐसा मंदिर दिखाएंगे, एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर दिखाएंगे जिस मंदिर को शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और आपको एक ये बता देते हैं शुरू में कि आज हमको एक ऐसा मंदिर दिखाने जा रहे हैं जो हमारे पूरे भारत के अंदर सिर्फ चार ही मंदिर हैं, और चार मंदिरों में से सिर्फ ये अकेला मंदिर जिस मंदिर के अंदर हम खड़े हैं, सिर्फ अकेला मंदिर जो पहले नंबर पर आता है और सबसे पुराना मंदिर है ये। आपको बता दें कि आज हम एक बांके बिहारी मंदिर के अंदर आए हुए हैं। बांके बिहारी का मंदिर पूरे भारत के अंदर सिर्फ चार मंदिर है, और चार मंदिरों में सिर्फ एक मंदिर है जिसके अंदर हम खड़े हैं, जो पहला मंदिर और सबसे पुराना मंदिर है। आज हम इस मंदिर का पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे, इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है। और आपको बता दें कि जो ये मंदिर है, इस मंदिर के अंदर शाहजहां ने अपना सहयोग दिया है पूरा, शाहजहां के टाइम में बनाए गए हैं। लगभग इस मंदिर को हम बता दें कि ये मंदिर लगभग 1600-1700 ईस्वी के आसपास बनाया गया था मंदिर ये। तो चलिए चलते हैं और हम आपको अभी मंदिर का पूरा दृश्य दिखाते हैं। पहले तो हम अब आपको दिखा रहे हैं जो पीछे हमारे पीछे बना हुआ है यहाँ पर, और जो दूसरी तरफ बना हुआ है, दो तालाब बने हुए हैं, एक में यहाँ पे के गांव वाले भी नहाते हैं जैसे श्रद्धालु वगैरह आते हैं, और दो दूर की तरफ है उस तरफ जैसे भैंस भूस या जानवर वगैरह नहाते हैं। तो चलिए हम आपको मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाएंगे। अभी हम आपको मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं, मंदिर के अंदर क्या चीज़ है। अब इतना ऐतिहासिक मंदिर, इतना पुराना मंदिर आपने पहली बार देखा होगा जो जैसा मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे भारत के अंदर चार मंदिर है। एक ऐसी चीज़ देखना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का उत्सव है आज का, कि हम ऐसे मंदिर में आए जो पूरे भारत के अंदर चार मंदिर है, और पहला मंदिर जो बना हुआ था, जो सबसे पुराना मंदिर है, उस मंदिर में आए, हमारा सौभाग्य है। हम इस मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए, और आपको हम बांके बिहारी जी के दर्शन कराएंगे इस मंदिर के, और इस मंदिर में अंदर दिखाएंगे इस मंदिर के अंदर क्या क्या है, क्या पुराना चीज़ बनी हुई है क्या नहीं है। जो भी हमने आपको जो तालाब दिखाया है, जो सरोवर दिखाई है, उस समय का बना हुआ मंदिर है लगभग। तो चलिए चलते जैसे कि अब हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर का बना हुआ, ये बहुत पुराना कुआं है। तो ये किसी कारण की वजह से आज इसका पानी वगैरह सूख गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है। उसी समय का कुआं है जिस समय ये मंदिर बनाया गया था, उस समय कुएं से पानी वगैरह लेते थे, लिया जाता था। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। जैसे कि ये पूरा बांके बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है, आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ, हमने आपको जो कुआं दिखाया है ये लगभग उसी समय का कुआं है, इसके अंदर से पानी वगैरह का इंतज़ाम था उस समय। अभी थोड़ा नया कुछ बन चुका है मंदिर के अंदर, जैसे कंस्ट्रक्शन में काम चला हुआ था, ये कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर गाड़ी वगैरह रहते हैं, तो उस समय का मंदिर है ये। तो हमें आपको जो मंदिर दिखा रहे हैं कुछ बने, अब हम मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं, कि बांके बिहारी जी की मूर्ति दिखाते हैं अंदर की जो बनी हुई है अंदर। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर हैं, हम आपको बांके बिहारी के मंदिर के अंदर के दर्शन कराते हैं, और मंदिर के अंदर का क्या सीन है वो दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आइए दिखाते हैं आपको, ये ऊपर का दृश्य दिखाते हैं। ये बांके बिहारी जी का मंदिर है यहाँ का, आप देख सकते हो जो इसकी यहाँ की जो कलाकृति है, जैसे कि दीवारों पर कलाकृति रख रखी है, उसी जमाने का मंदिर बना हुआ है। जो ये मंदिर है, इस मंदिर को अभी तक ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ अलग से काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत ही काम किया, ये उसी टाइम का मंदिर है, ऐसे का ऐसा खड़ा हुआ है जो पुराने तरीके से इससे मंदिर बनाया जाता था, ये सेम वैसा मंदिर बना हुआ है। जैसे कि अभी जो ये मंदिर देख रहे हो, दीवारों के ऊपर कलाकृति देख रहे हो आप, उसी समय की कलाकृति है पूरी, जो शाहजहां के द्वारा या लगभग 1900-1700 ईस्वी में द्वारा बनाया गया मंदिर था, उस समय का मंदिर है ये। आप देख सकते हो, आप ऊपर गुम्बद देख सकते हो, गुम्बद के अंदर जो कलाकृति बनाई गई है, कितनी अद्भुत कलाकृति बनाई गई है। भारत का एक ऐसा मंदिर जो पूरे भारत के अंदर सिर्फ चार ही मंदिर बनाए गए हैं, बांके बिहारी जी के, और एक मंदिर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो मंदिर दिखा रहे हैं सबसे पुराना, सबसे पहले नंबर पर बनाया गया मंदिर जो बांके बिहारी जी का मंदिर है। अंदर आप देख सकते हो बांके बिहारी जी की मूर्ति रखी हुई है। आज हम आपको बांके बिहारी जी के दर्शन करा रहे हैं, जो लगभग
सबसे पुराना मंदिर बनाया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो किसी कारणवश आप देख सकते हो छत के अंदर कलाकृति जो कारीगरों द्वारा बनाया गया था मंदिर उस समय का। आप सभी कि जो ये दरवाजा एक या इसके अंदर एक छोटी सी गुफा बनाई गई है जो लगभग नीचे ज़्यादा बहुत गहराई में गई हुई है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पर इसके अंदर जाने का, क्योंकि अंदर लाइट का प्रोग्राम नहीं है और हमारे पास अभी लाइट नहीं है और एक्स्ट्रा कि फ़ोन की जिस कैमरे से हम शूट कर रहे हैं वो है उसमें लाइट नहीं है, तो हम अंदर जाके नहीं दिखा सकते आपको। फिर दोबारा कभी आएंगे हम अपने लाइट का प्रबंध लेके आएंगे। तो अभी पता लगा हमने इस गुफा के बारे में, पंडित जी से बात की थी हमने गुफा के बारे में कि इसके अंदर गुफा भी है, तो हम इस गुफा के अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि गुफा के अंदर लाइट का बंदोबस्त नहीं है, इस करके हम गुफा के अंदर नहीं जा सकते। तो आपको बता दें कि जिस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस मंदिर के हम अंदर आए हैं, कैथल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव को बना हुआ के अंदर बना हुआ है। हम आप वीडियो के माध्यम से आपको ये मंदिर दिखा रहे हैं और हम आपको मंदिर ये सबसे पहले बना हुआ है और तीन मंदिर अलग है जो भारत के अलग अलग स्टेट में बने हुए हैं। तो चलिए सभी को धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपको एक ऐतिहासिक जगह ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताएंगे। तो सभी को धन्यवाद।